दोस्तों, मैं हूँ इस समय सोहित सूद जी के घर पे ऊना हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं प्लांट्स, एक नहीं दो नहीं हज़ारों प्लांट्स हैं। और अब हम यहाँ पर प्लांट टूर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नीचे अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं हम लोग। यहाँ पर हेवॉर्थियाज हैं, लिथॉप्स हैं, सकुलेंट्स हैं, पैचीपोडियम्स हैं, और आप वहाँ पीछे छत पे देख सकते हैं ग्रीन हाउस बना हुआ है, वहाँ पर है कैक्टस और कुछ एग्जॉटिक सकुलेंट्स। तो हम सभी प्लांट्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर रखे हुए हैं बैरल कैक्टस, यानी कि एक्नो कैक्टस ग्रोसोनाई, और आपको पता ही है इनके बिना किसी का भी कैक्टस सकुलेंट्स का कलेक्शन अधूरा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े हेल्दी बैरल्स रखे हुए हैं, और आप उधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे बैरल्स लगे हुए हैं। थोड़ा पास में से दिखा दीजिए, यहाँ पर पैचीपोडियम सॉन्डेसाई है। पैचीपोडियम सॉन्डेसाई में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ कुछ बड़े पुराने स्पेसिमिन साइज्ड पैचीपोडियम सॉन्डेसाई रखे हुए हैं, और इनमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारी फ्लावर बर्ड्स आई हुई हैं। यहाँ पर नीचे फाइकस पेटियोलरिस रखे हुए हैं, और कुछ पीछे की साइड में आप देख सकते हैं जेड प्लांट्स के बोनसाइज हैं, ऑपरकुलिकारिया डेकराई के बोनसाइज हैं। इस डेकराई के प्लांट का साइज़ का अंदाज़ा लगाइए मेरी हाइट से। आई एम ऑलमोस्ट 6 फिट टॉल, और ये भी 5 फिट से ज़्यादा ऊंचा प्लांट है। और इसका कॉर्टेक्स, इसका स्टेम देखिए कितना पुराना है, कितना मोटा है। इससे इसकी एज का आइडिया ईजिली लग रहा है। यहाँ पर और भी बैरल्स रखे हुए हैं, कुछ मल्टी हेडेड बैरल्स भी रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ के हो रखे हैं यहाँ पर भैया के बैरल्स। एक और यहाँ पर डेकराई रखा हुआ है, इसको भी पास से दिखा दीजिए। देखिए इसका साइज़, और पास में से दिखाइए थोड़ा सा। यहाँ पर अगेन कुछ बड़े डेकराइज रखे हुए हैं, और यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट डेकराया मेडागास्करेंसिस रखा हुआ है। ज़िगज़ैग प्लांट भी इसको बोलते हैं, काफ़ी पुराना स्पेसिमेन है ये भी। और यहाँ पर ये जेट प्लांट्स के बोन साइज हैं। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स रखे हुए हैं, ये सभी बोन साइज का शेप दिया हुआ है, सभी बोन साइज के फॉर्म में हैं, और सभी सेरेमिक पॉट्स में लगे हुए हैं। ये सभी हैंडमेड सेरेमिक पॉट्स हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन भैया ने क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये सेरेमिक आर्ट फॉर्म में कुछ पॉट्स और कुछ स्टोन्स रखे हुए हैं, मुझे यहाँ दिख रहे हैं। और मैं आपको अभी क्लोजअप में फटाफट कुछ बोन साइज दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो आई एम प्रिटी श्योर लंबा होने वाला है। प्लांट्स की तो अभी हमने दिखाने की शुरुआत करी है, अभी तो छत पर जाना बाकी है, जहाँ पर और भी ज़्यादा कैक्टस और सकुलेंट्स रखे हुए हैं। तो चलिए आप एक बार फटाफट बोन साइज दिखा देते हैं। यहाँ पर नॉलेना पाम है मेरे पीछे। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में नॉलेना पाम्स बड़े बड़े बहुत देखे हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी कुछ नॉलेना पाम्स हैं, लेकिन इतना बड़ा जाइजेंटिक, इतना बड़ा नॉलेना पाम मैंने अपनी लाइफ में मतलब कभी नहीं देखा है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए, आप थोड़ा सा पास में से अगर देखेंगे, इसका स्टेम ही कितना ज़्यादा ब्रॉड है, और जो इसका कॉर्टेक्स नीचे फॉर्म हुआ है, एक बार यहाँ देखिए, आप शायद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना ह्यूमंगस है। और पीछे पैचीपोडियम्स की कुछ टॉल वैराइटीज़ हैं, लैमरी है, रूटिंग बर्ड जियानम है,
यहाँ पर नीचे कुछ अगावे रखे हुए हैं, और यहाँ पर इस सेक्शन में हेवॉर्थियस है, लिथॉप्स है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ लिथॉप्स हैं और सेरेरिया की कुछ स्पीशीज़ है, यूफोरबियाज हैं, अगावेज है, मिक्स्ड सेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ सीडलिंग्स से ग्रो हो रहे हैं, एस्ट्रोफाइटम्स हैं, अगेन अगावेज, आई कैन सी अगावेज, एलोज, गेस्टेरियाज। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग अगावे है जो काफ़ी हॉट है मार्केट में इस समय। यहाँ पर हेवॉर्थिया का जंगल है पूरा, हेवॉर्थिया ट्रंकाटास और हाइब्रिड्स हैं, स्पीशीज़ हैं बहुत सारी। और मेरे पीछे कुछ सीडलिंग्स हैं कैक्टस की, वो मैं भी क्लोज़अप में आपको दिखाता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर इस व्यू में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितने सारे हेवॉर्थियाज हैं। चलिए कुछ मेरे फेवरेट जो हेवॉर्थियाज मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हेवॉर्थिया ट्रंकाटास मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, तो यहाँ पर ट्रंकाटास ऑब्वियसली कॉट माय आई। यहाँ पर बहुत सारे ट्रंकाटास हैं, पीछे मॉगनाइज हैं, कोयल फॉर्म भी है, यहाँ पे कोयल हाइब्रिड है ये शायद। टियर्स ऑफ एंजल, यह मेरे साथ में आप देख सकते हैं डाइडेरिया मेडागास्करेंसिस है, जो मेरे से भी लंबा हो गया है, और एक स्टेम इसकी यहाँ पर है, एक ब्रांच यहाँ पर है इस प्लूमेरिया के ऊपर, आपको नज़र आ रही होगी। कितना हेल्दी स्पेसिमेन है ये, कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पर इस अगावे का साइज़ आप मेरे से कंपेयर कर सकते हैं, मुझे लगता है 6 या 7 फिट से भी ज़्यादा डायमीटर होगा इस प्लांट का। और मेरे पीछे बहुत ही बड़े बड़े पैचीपोडियम्स हैं, और जस्ट राइट बिहाइंड मी यहाँ पर एक और बहुत ही पुराना स्पेसिमिन है डाइडेरिया मेडागास्करेंसिस का, विच इज़ ऑफली लुकिंग, अमेजिंगली ब्यूटिफुल। आई डोंट हैव लाइक वर्ड्स टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट, ज़बरदस्त। और हाँ, ये पैचीपोडियम का भी साइज़ आप देखिए। दोस्तों अब हम आ गए हैं रूफ टॉप पे, छत पे, टेरेस पर, और यहाँ पर है कैक्टस, सक्यूलेंट्स और भी सारे एग्जॉटिक प्लांट्स, तो जो मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मैं आपको वही दिखाऊंगा, क्योंकि प्लांट्स तो यहाँ पर इतने सारे हैं कि सबको कवर करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भैया ने अलग अलग टेबल्स बनाई हुई हैं, और उस पर कुछ ये प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे एक ए टेबल नंबर 1, लेट्स से टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, 3, 4, काउंटलेस टेबल्स आ देर। तो एक एक टेबल के ऊपर हम छोटा छोटा डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो ये जो टेबल है यहाँ पर मुझे एस्ट्रोफाइटम्स नज़र आ रहे हैं, एकेनो कैक्टस भी नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा ही सुंदर यहाँ पर ओंजुका का क्रेस्ट ग्राफ्टेड है, डिस्को कैक्टस है, डबल हेडेड एकेनो कैक्टस है, यूफोरबिया ओबेसा यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, और एकिनो फॉसिलो कैक्टस यानी ब्रेन कैक्टस भी बोलते हैं, स्टेनो कैक्टस भी बोलते हैं, उसका क्लम्प यहाँ पर बड़ा अमेजिंग लग रहा है। थोड़ा पास में से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये पूरा क्लम्प है स्टेनो कैक्टस का। यहाँ फुकुरियो है इसका पैटर्न, और ये ओंजुका का साइज देखिए, हाउ टॉल इज दिस।
यहाँ पर क्या क्या है देखना पड़ेगा, बहुत कुछ है। तो इस टेबल पर मुझे नज़र आ रहे हैं कैक्टस, कुछ कॉडिसिफॉर्म्स हैं, पैचीपोडियम है, पैचीपोडियम नामाकोएनम, राइट, वन ऑफ माय फेवरेट पैचीपोडियम। देखिए, और ये तो बहुत छोटा है, अभी इसका मैं मदर प्लांट आपको दिखाऊंगा, ये विल बी लाइक जॉ ड्रॉपिंग साइज है उसका। यहाँ रखा हुआ है, चलिए पैचीपोडियम नामाकोएनम की बात कर रहे हैं तो पहले मैं इसका मदर प्लांट दिखा देता हूँ, फिर वापस इस टेबल पर आते हैं। ये देखिए, ये है पैचीपोडियम नामाकोएनम का मदर प्लांट। यहाँ पर इतना बड़ा मुझे लगता है हमारी कंट्री में और किसी के पास नहीं होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं साइज का। तो अभी मैं यहीं पर ही था, तो पैचीपोडियम नामाकोएनम मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पर एस्ट्रोफाइटम्स हैं, ये फोर्बियस के कुछ क्लम्प हैं, क्रेस्ट यहाँ पर है, मैं मलेरिया का, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये है सीडोबॉम्बैक्स इलिप्टिकम, और बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है इस प्लांट का, यहाँ पर पूरा एक ह्यूज बॉल नज़र आ रही है और उसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं। यहाँ पर अगावे है, एडिनिया ग्लोबोसा है, फोकिया ड्यूलिस है, यहाँ पर पैचीपोडियम है, पीछे तो एवियार्स रखे हुए हैं, यहाँ पर पैचीपोडियम्स हैं, और ये देखिए साइफोस्टेमा का स्पेसिमिन प्लांट, इसका कॉडेक्स का साइज देखिए क्या ज़बरदस्त कॉडेक्स है। यहाँ पर कुछ पैचीपोडियम के क्रेस्ट है, ऑल राइट, वी आर एट टेबल नंबर 3, और यहाँ पर भी मिक्स्ड प्लांट्स रखे हुए हैं, कैक्टस भी है, कॉडिसिफॉर्म्स भी है, हुडिया भी है यहाँ पर। अमेजिंग, ये थोड़ा पास में से आप देखिए, एपिथेलेंथा बुकेई का क्रेस्ट है, कितना प्यारा फॉर्मेशन है क्रेस्ट का। दोस्तों थोड़ी ही देर में मैं सोहेब भैया को भी मिलवाऊंगा आप सबसे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़े से बिज़ी हैं, तो वीडियो में आप थोड़ी ही देर में सोहेब भैया को भी देखेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कैक्टस के बारे में, सकुलेंट्स के बारे में, हम बात करेंगे उनके प्लांट्स के बारे में। दोस्तों अभी हम हैं यहाँ पर टेबल नंबर 4, 1, 2, 3, 4, यस, सो दिस इज़ टेबल नंबर 4, यहाँ पर ज़्यादातर प्लांट्स या कैक्टस ग्राफ्टेड ही रखे हुए हैं, लगभग सभी कैक्टस हैं यहाँ पर ग्राफ्टेड, कुछ रेयर ब्यूटीज़ भी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर एलो डाइकोटोमा है, कुछ यूफोर्बिया के क्रिस्टेट्स भी हैं, ये पिस्किडर्मिस का क्रेस्ट है, ऑनजुका का क्रेस्ट है, यहाँ पर पैचीपोडियम का भी क्रेस्ट है, ऑप्रेगोनिया डेनेग्रियाई का क्रेस्ट, यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग हो रही है कोरिफेंथा में, और ये जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिफेलियम यहाँ फॉर्म हुआ है मेलो कैक्टस का, उससे इसकी एज का अंदाज़ा लगाइए, आई थिंक इट्स ओवर 30 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर काफ़ी सारे वेरीगेटेड एरियोकार्पस भी ग्रो हो रहे हैं। ग्राफ्टेड कैक्टस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ बहुत ही रेयर और इंटरेस्टिंग ग्राफ्टेड कैक्टस रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं वेरीगेटेड ओबलमेनिया पैक्टिनिफेरा है यहाँ पर, और ये एरियोकार्पस कॉलीफ्लावर है, बिल्कुल कैंडी कलर आ गया है वेरीगेशन का। यहाँ पर और भी बड़े बड़े कुछ यूफोर्बिया और साइफोस्टेमास ग्रो हो रहे हैं। वीडियो में आई एम प्रिटी श्योर मेरे से साइज़ का कंपैरिजन का आइडिया आपको मिल जाएगा, ये बहुत ही पुराने स्पेसिमिन प्लांट्स हैं।
तो दोस्तों अभी मैंने आपको इन टेबल्स का इंट्रोडक्शन दिया है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 टेबल्स और बैकग्राउंड में कुछ और स्पेसिमेन प्लांट्स रखे हुए, माइंड ब्लोइंग प्लांट्स। इतने बड़े स्पेसिमेन साइज के प्लांट्स मैंने किसी के कलेक्शन में नहीं देखे। तो ये तो टेबल्स हो गई और अब हम चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर और भी ज़्यादा कैक्टस ग्रो हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ और रेयर ब्यूटीज़ रखी हुई हैं। रेफियोनिक में है, एलोडिया मॉन्टेग्नासी मेरे को नज़र आ रहा है, हुडिया नज़र आ रहा है, हुडिया के कुछ स्पेसिमेन साइज्ड प्लांट्स रखे हैं, हुडिया पेलीफेरा है, हुडिया गॉर्डोनाई है। तो चलिए इस सेक्शन में हम लोग एंटर करते हैं। ये तो मैंने आपको भी दिखाया था, काचीपोडियम नामकोनम का स्पेसिमेन प्लांट है, यहाँ पर मदर प्लांट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर नोवा तंजानिया रखा हुआ है, कुछ मैमिलेरियाज है यहाँ पर। और चलिए अब अंदर चलते हैं। देखिए कितने सारे एस्ट्रोफाइटम्स यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, एरियोकार्पस भी यहाँ पर है। मैं यहाँ पर 2021 में, यानी आज से 3 साल पहले आया था और सेकेंड टाइम आया हूँ सोए भाई के पास। और आई कैन लाइक विजिबली ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ इन दिस ड्यूरेशन। कुछ प्लांट्स तो डबल हो गए, और क्योंकि मैं फेसबुक पे भी भैया को फॉलो करता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, उनके प्लांट्स इतने फैसिनेटिंग हैं, इतने हेल्दी प्लांट्स हैं, इतने अमेजिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर। तो चलिए कुछ जो इंटरेस्टिंग प्लांट मेरे को नज़र आ रहे हैं उनको मैं पास से आपको दिखाता हूँ। तो बात करते हैं एस्ट्रोफाइटम्स की। यहाँ पर एस्ट्रोफाइटम कैप्रिकॉन्स काफ़ी मेरे को नज़र आ रहे हैं, एस्टीरियास हैं, ऑर्नाटम्स भी हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर टर्टल का एक फॉर्म रखा हुआ है, और ये देखिए वेरीगेटेड फुकुरियो, हाउ कूल इज दैट। वी मार्क सुपर कबूटोज हैं यहाँ पर, स्टारशिप स्टीरियस भी है, एक क्रेस्ट छोटा सा यहाँ पर मेरे को नज़र आ रहा है। पीछे ये ग्राफ्टेड एस्ट्रोफाइटम्स है। यहाँ पर लोफोफोरास भी हैं और फेरोकैक्टस भी पीछे रखे हुए हैं। यहाँ पर ये लिजर्ड स्किन का प्लांट रखा हुआ है, देखिए स्पेसिमेन प्लांट लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर एक बड़ा ही अनयूजुअल सा फॉर्म मेरे को नज़र आ रहा है, इसको मैं पॉट को उठा के आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको ये टर्टल के बारे में बता रहा था, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग म्यूटेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई एम नॉट श्योर वीडियो में आपको कितना क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ बहुत ही अनयूजुअल सा ग्रोथ है यहाँ पर। यहाँ पर और सुपर कबूटोस रखे हैं, वेरीगेटेड जिम्नो कैल्शियम और पैचीपोडियम ब्रेविकॉल ग्रो हो रहा है। मैं तो थक गया इसको ग्रो करते करते, पर अनफॉर्चुनेटली कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ ब्रेविकॉल को ग्रो करने में। अब्दुल कुरी दमास्क पिंक फॉर्म, यहाँ पर मेरे सामने रखे हुए हैं बहुत सारे ग्राफ्टेड एरियोकार्पस और ऑन रूट्स सीड ग्रोन एरियोकार्पस भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कितना बड़ा स्पेसिमेन है ट्राईफिंगर का, रेटियोसिस ट्राईफिंगर का, दूर से ही नज़र आ भी रहा होगा। यहाँ पर ट्राईफिंगर का फॉर्म है, ये भी एक ट्राईफिंगर का फॉर्म है यहाँ पर। और यहाँ पर भी ये देखिए ऑन रूट्स एरियोकार्पस है, एरियोकार्पस फिजरेटिस भी है,
ट्राइगोनस भी है, कॉट्स के कुछ पुराने प्लांट्स रखे हुए हैं। इसके साइज का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ये देखिए मॉन्स्ट्रस फॉर्म है यहाँ पर फुकुरियों का, अमेजिंग। बहुत ही बड़ा है, इतना बड़ा स्पेसिमेन मैंने पहले नहीं देखा। मैं इसको उठा के आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा प्लांट है ये। ये देखिए ये है एस्ट्रोफाइटम फुकुरियों का कल्टीवार है कोई, और इसका साइज देखिए कितना बड़ा और हैवी प्लांट है ये। दोस्तों ये था प्लांट टूर सोहित सूद जी के कलेक्शन का ऊना हिमाचल प्रदेश से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे यू गाइज़।